जय हिंद भैया। सबसे पहले वार्निंग कि पाकिस्तान के लोग इस वीडियो को ना देखें, अगर आप भारतीय हैं तो ही इस वीडियो को देखें। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेते हैं तो किसी भी पाकिस्तानियों को हैसियत नहीं होगी कि आपको आंख से आंख मिला सके। जैसे कि पाकिस्तान 3 दिसंबर 1971 को ये जंग स्टार्ट किया था, तो 4 दिसंबर 1971 को लौंगी वाला धोती और 5 दिसंबर 1971 को कराची बंदरगाह को उड़ा दिए। तब देखते हैं कि जब इधर पश्चिमी पाकिस्तान में इतना हो किए तो पूर्वी पाकिस्तान की तरफ भारत कितना तबाही किया। अब भारत के पास उस समय का सबसे बड़ा जो जहाज था वो था INS विक्रांत। अब पाकिस्तान क्या किया, PNS गाजी को भेज दिया INS विक्रांत को मारने के लिए, क्योंकि अगर उस समय INS विक्रांत को मार देता तो वास्तव में भारत को युद्ध जीतना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन पाकिस्तान का दिन तो उतना अच्छा था नहीं। अब इधर देखते हैं पूर्वी पाकिस्तान की तरफ भारत के सैनिकों ने क्या किया। क्या किया इधर जो अभी बांग्लादेश है, कि बांग्लादेश के अंदर जो मुक्ति वाहिनी था शेख मुजीब रहमान के जो गिरफ्तारी में गुट का निर्माण किया था, जो मुक्ति वाहिनी था जो बांग्लादेश के अंदर ही पाकिस्तान के फौजियों को गली गली दौरा दौरा के मार रहा था, इसको जो मदद कर रहा था वो भारत की आर्मी मदद कर रही थी, उसके बाद एयरफोर्स मदद कर रही थी, और यहाँ पे भारत का जो एक जहाज लगा हुआ था INS विक्रांत। INS विक्रांत उस समय का बहुत बड़ा जहाज था, इतना बड़ा जहाज था कि इसके ऊपर पनडुब्बी लगी होती थी और यही से फायर कर देता था, जिसके कारण यहाँ जो पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान थी इसको जो मदद करेगा तो इसको ऐसे जाना पड़ेगा, इधर से तो कोई बकलोर ही होगा जो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट तो जा नहीं सकता, अगर इधर से जाएगा तो बीच में हमारा एयरफोर्स ही उसको मार के गिरा देगा, इसलिए यहाँ जाता था। और ये जो पाकिस्तान के फौजी लड़ रहा था इसको खाना पीना सब कुछ खत्म हो चुका था, और ये INS विक्रांत से पाकिस्तान बिल्कुल परेशान हो चुका था। इसलिए क्या किया पाकिस्तान ने, कहा कि INS विक्रांत को मारने के लिए PNS गाजी को भेज दिया गया। लेकिन पाकिस्तानियों का दिन तो उतना अच्छा था नहीं, इसलिए भारत की खुफिया एजेंसी को पता लग गया कि INS विक्रांत को मारने के लिए अरब सागर से पाकिस्तानियों ने PNS गाजी को भेज दिया गया, और PNS गाजी इतना खतरनाक था वो अमरीका से खरीदा गया था। वो पनडुब्बी थी वो जो समुद्र के पानी के अंदर से चलती थी, इतना खतरनाक था कि अगर PNS गाजी को मारा जाए तो भारत के पास एक ही था INS राजपूत, उसके द्वारा PNS गाजी को मारा जा सकता था। लेकिन दुर्भाग्यवश INS राजपूत जो था वो बिल्कुल खराब हो चुका था, और ये विशाखापट्टनम में यहाँ पे ठीक हो रही थी विशाखापट्टनम में। तो भारतीय सोचा कि अब क्या करें, भारतीय ने क्या किया INS विक्रांत को कहीं सुरक्षित जगह पे छुपा दिया, और सोचा कि क्यों ना हम PNS गाजी को ही विशाखापट्टनम में बुला लें। इसलिए तो भारतीय बोला कि ऐसा थोड़ी है वो खुद चल के विशाखापट्टनम में क्यों आएगा मारने के लिए। तो भारत जानता था कि भारत में भी कितने पाकिस्तानियों के ऐसा हो जो पल पल का खबर पाकिस्तान पहुंचाता होगा, इसलिए जो INS विक्रांत पर जितने भी अधिकारी थे वो सारे अधिकारियों को बोला कि अपने अपने घर पे फोन करो और बोलो कि हम विशाखापट्टनम में आ रहे हैं। सो विशाखापट्टनम में INS विक्रांत जो है विशाखापट्टनम में आ रही है, हम लोग भी वहीं पे आ रहे हैं, 10 दिन वहां रहेंगे, और वहां पर इस सब के रहने खाने की व्यवस्था सारा कुछ कर दिया गया। अभी बगलूर पाकिस्तान इसको के क्या पता, इसको लगा कि सच में ये विशाखापट्टनम में ही INS विक्रांत गया है, बस ये सीधे इधर जाने की वजह ये घूम गया और सीधे विशाखापट्टनम की ओर जाने लगा। इसको क्या पता कि यहाँ पे INS गाजी का मौत यहाँ बुला रहे हैं, यहाँ इंतजार कर रही है INS राजपूत। अब INS राजपूत एकदम गौर करके बैठा हुआ है कि तू आ समुद्र के नीचे नीचे, अब ये पानी के नीचे नीचे आ रही है, और ये INS राजपूत एकदम गौर से लगा के बैठे हुए हैं। जैसे ही वो आया PNS गाजी नजदीक, जैसे ही INS राजपूत को मारता है कि उससे पहले ही ये INS राजपूत उसको मार के गिरा दिया, पानी में डुबा दिया। जैसे ही PNS गाजी पानी में डूब गया अब पाकिस्तान का मनोबल बिल्कुल टूट गया। अब सोचो कि अब क्या करें, अब ये पाकिस्तान क्या किया, सीधे अमेरिका फोन लगा दिया। अमेरिका भी क्या किया, एक संगठन होता है UNO, अमेरिका उस संगठन में बोला कि ये भारत जो है ये पूर्वी पाकिस्तान पर जुर्म कर रहा है। बस रूस हमारा उस वक्त साथ दिया, रूस बोला कि तू ढेर जानता है भारत जो भी कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, और इसी के प्रस्ताव को हम इस पे वीटो करते हैं। वीटो मतलब 5 देश ही कर सकता है, इस पे अगर कोई भी देश कर दे वीटो तो वो प्रस्ताव क्या होता है, रद्द हो जाता है। इसलिए
रूस जो क्या किया, इस पर बोला कि हम इस पर वीटो करते हैं। अब पाकिस्तान तो चारों पाया से हार गया। अब पाकिस्तान बोला अमेरिका को कि अब तू ही मेरे को बचा सकता है। अब अमेरिका क्या किया, अमेरिका यहां से सीधे सात बेरा भेज दिया, सातवां बेरा भेज दिया किसको मारने के लिए, भारत को मारने के लिए सातवां बेरा भेज दिया। सातवां बेरा आप देख सकते हैं बहुत बड़ा जहाज होता है, इस पर बहुत सारे परमाणु बम लगे होते हैं, ये मतलब नेवी के साथ चलता है सातवां बेरा। अब इंदिरा गांधी सोचने लगी कि अब तो हम गए। फिर याद आया कि कुछ ही दिन पहले तो हम रूस से समझौता किए थे, जिस प्रकार अगर अमेरिका पाकिस्तान को मदद कर रहा है तो रूस भी मेरा मदद करेगा। रूस को ये बोला कि देखिए इतना बड़ा जहाज लेकर मेरे को मारने आ रहा है, आप कुछ कीजिए। बस रूस बोला कि आप चिंता मत कीजिए। बस रूस इधर से क्या किया, सीधे 40वां बेरा भेज दिया। 40वां बेरा उस समय का बहुत बड़ा जहाज था, ये 40वां बेरा जहाज भेज दिया। अब यहां पे लगा हुआ है आईएनएस विक्रांत, और यहां पे 40वां बेरा भी है, आईएनएस विक्रांत भी है। और रूस अपने एयरफोर्स को भी बता दिया था कि भारत पे नजर रखना, मतलब भारत की रक्षा के लिए अब यहां पे आईएनएस विक्रांत है, यहां 40वां बेरा बैठा हुआ है, और इधर से अमेरिका से आ गया सातवां बेरा यहां पे लगा हुआ है, और इंग्लैंड से ईगल बेरा वो भी यहां लगा हुआ है। मतलब भारत तो बांग्लादेश का भला ही चाह रहा था, लेकिन देखिए ये सातवां बेरा अमेरिका का, इंग्लैंड का ईगल, ये दोनों भारत के विपक्ष में युद्ध करने के लिए आ गया। अब यहां पे रुक गया, यहां एकदम बिल्कुल बॉर्डर बन गया। अब रूस बोल रहा है सातवां बेरा को, रूस बोल रहा है कि अगर तू आईएनएस विक्रांत को कुछ भी किया तो हम अब समझ लेंगे कि ये रूस पर हमला किया, हम छोड़ेंगे नहीं। इस पर ये रूस जो था वो क्या किया, अपनी पनडुब्बी को पूरा ऊपर कर दिया था ताकि दूर से देखने में लगे कि बहुत ज्यादा भयानक है, और वैसा ही हुआ। दूर से देखने पे लगा कि रूस मतलब इतना बड़ा भयानक जहाज दिखा कि ये अमेरिका और अमेरिका का ये सातवां बेरा ईगल, इंग्लैंड का ये दोनों घबरा गया। ये इंग्लैंड का बोला कि टू लेट, मतलब भागो, देखो वहां सामने क्या है, जैसे ही जाएगा वो मार के गिरा देगा। इस पर सातवां बेरा क्या किया, ये 40वां बेरा को धमकी दिया, वो बोला कि मेरे में परमाणु बम लगा है। तो ये रूस बोला कि मेरे में भी ऑटोमेटिक पर मिसाइल सेट हुआ है, जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे बस सीधे मार के हम गिरा देंगे। तो ये धमकी दे रहा है 40वां बेरा कि हमारे पास परमाणु बम लगा हुआ है। तो रूस रिप्लाई में रूस बोल रहा है कि हम भी जब चले थे तब 250 हमारे पास भी परमाणु बम था, उससे भी ज्यादा था, लेकिन जल्दी जल्दी में काउंट नहीं किए तो किसके पास कितना परमाणु बम है, आओ टकरा लेते हैं फिर देखते हैं। अब अमेरिका के सातवां बेरा का भी हालत खराब और ईगल का भी हालत खराब, ये इसको मतलब यहीं पे अटक गया। अब पाकिस्तान चारों तरफ से हार गया, अब हर तरफ पाकिस्तान हार ही रहा था। उसके बाद क्या किया, भारत सरकार पाकिस्तान सरकार के डर, मन में डर को बैठाने के लिए क्या किया, ये बांग्लादेश ढाका पे क्या किया, अपना कुछ सिपाही एयर ड्रॉप करवाए, और ये जो होता है ना पुतला, सैनिक पुतले को सैनिक बना के वहां पे लगभग 5000 उतरवा दिए। अब ये मीडिया वाला ये केवल भारत के आर्मी ही जानता था कि वहां पे पुतला और आर्मी दोनों को उतारा जा रहा है, लेकिन मीडिया वाला पूरा उछाल दिया कि भारत जो है ये ढाके पर, बांग्लादेश के ढाके पे 5000 सैनिक उतारा है जो अब पाकिस्तानियों फौजी को नहीं छोड़ेगा, अब गली गली में दौड़ा के मारेगा। अब इतना डर गया पाकिस्तानी फौजी, इतना डर गया कि गली में छुप गया। भारत सरकार सोचा कि जब इतना ये डर गया ऐसा करते हैं, ये एयरफोर्स क्या किया, बोला कि अब हम आर पार की युद्ध करते हैं। अब सीधे ये पूर्वी पाकिस्तान के जो एक गवर्नर था, पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर एएच मलिक, उसके घर पर सीधा बम ब्लास्ट करवा दिए। उसके घर को देख सकते हैं बिल्कुल तहस नहस कर दिया। जैसे ही इसको तहस नहस, इसके लिए एएच मलिक जो था वो क्या किया, अपना त्याग पत्र दिया, बोला कि अरे भाई जान रहेगी ना तो बहुत नौकरी करेंगे, हमको गवर्नर नहीं करेंगे। मतलब कि जिस प्रकार हमारा बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उसके भी गवर्नर उसी प्रकार के, पूर्वी पाकिस्तान जो था वो तो सेम वही था, एक राज्य ही था जिसका वो गवर्नर था, ये त्याग पत्र दे दिए। पाकिस्तान का मनोबल क्या हुआ, बिल्कुल टूट गया। भारत के जो लेफ्टिनेंट जनरल था निर्मलजीत सिंह अरोड़ा, ये इनको बोले, ये जनरल नियाजी को, जो पाकिस्तान के जनरल थे नियाजी को बोले, ये जनरल निर्मलजीत सिंह अरोड़ा बोला कि देखो मैं तेरे को आधा घंटा का टाइम देता हूँ, आधा घंटा में अगर सरेंडर कर दिया तो ठीक है, नहीं तो ये हमला जो अभी हम कर रहे हैं ये 10 गुना हमला बढ़ाएंगे, सो आधा घंटा को हम टाइम दे रहा हूँ। अभी पाकिस्तान के जो जनरल नियाजी थे ये सोचे कि वैसे भी हम युद्ध तो बिल्कुल हार ही चुके हैं,
अब ये क्या किए, याद रखिएगा वो दिन 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने जंग को स्टार्ट किया था 3 दिसंबर 1971 को, और 13 दिनों में हमने पाकिस्तान को क्या किए, घुटने टिकवा दिए। मतलब 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को पाकिस्तान के जनरल नियाजी क्या किए, घुटने टेक दिए। मतलब 93,000 सैनिक, जो दुनिया का सबसे बड़ा हार था, 93,000 सैनिक हमारे भारतीय सैनिक के सामने क्या किए, घुटना टेक दिए। इसी जनरल ये निर्मलजीत सिंह अरोड़ा के सामने क्या किए, घुटना टेक दिए, और ढाका में क्या किए, ये साइन किए थे। साइन करने वक्त इनकी आंखों में क्या थी, आंसू थी। और पाकिस्तान के फौजी क्या कहते हैं कि भारत के फौजी कुछ नहीं कर सकते, मतलब पाकिस्तान की इससे बड़ी इससे बराबर क्या खुशी हो सकता है कि उसके सेनापति की आंखों में बिल्कुल आंसू, और अपना क्या किए, स्टार निकाल के फेंक दिए बिल्कुल एकदम। उसके बाद इसको जनरल नियाजी को क्या किया, अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद कुछ दिनों के बाद इसको छोड़ दिया गया। और बांग्लादेश, इंदिरा गांधी भाषण दी थी कि ढाका स्वतंत्र बांग्लादेश का स्वतंत्र राजधानी है क्या, ये ढाका। तो भारत ने अपना वादा निभाया, जनरल शेख मुजीब रहमान को, जनरल शेख मुजीब रहमान को क्या किए, स्वतंत्र करवाए। और उसके बाद ये जनरल नियाजी को भी स्वतंत्र किए, और ये युद्ध क्या हुआ, यही समाप्त हो गया।